शिक्षा विभाग लंबे समय से खाली पदों की समस्या से जूझ रहा है। शिक्षा विभाग में खाली पद जहां स्कूलों के लिए सिरदर्द है, वहीं अब शिक्षा विभाग ने खाली पदों को लेकर अक्टूबर की सूची जारी की है और इस सूची के मुताबिक प्रदेश के स्कूलों में व्याख्याता के खाली पदों की संख्या 12,000 पार कर गई। वहीं थर्ड ग्रेड शिक्षकों के खाली पदों की संख्या भी 11,000 पार कर चुकी है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर टीचर्स की कमी के चलते छात्रों की पढ़ाई कैसे हो रही है। बीते एक दशक से शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भारी कमी है और ये समस्या लगातार बढ़ रही है। शिक्षा विभाग में शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के खाली पड़े पदों की संख्या करीब 62,000 पार कर चुकी है। कनिष्ठ विधि अधिकारी के तो विभाग में 100% पद खाली पड़े हैं। शिक्षा विभाग में कुल 62,043 पद खाली, संयुक्त निदेशक के कुल 14 पद, 13 पद खाली, प्रिंसिपल के कुल 10,864 पद हैं, 1,231 पद खाली हैं। हेडमास्टर के कुल पद 3,623 हैं, जबकि 1,179 पद खाली हैं। प्रशासनिक अधिकारी के कुल पद 12 हैं, जबकि 7 पद खाली हैं। कृषि अध्यापक के कुल 3 पद हैं, 2 पद खाली हैं। व्याख्याता के कुल 52,777 पद हैं, जिनमें से खाली 12,014 पद हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक के कुल 84,131 पद हैं, जबकि 11,156 पद खाली हैं। लैब असिस्टेंट के कुल 4,649 पद हैं, जबकि 1,289 पद खाली हैं। कनिष्ठ सहायक के कुल पद 14,788 हैं, जबकि 1,649 पद खाली हैं। विभाग में चल रहे खाली पदों को लेकर शिक्षक नेता विपिन प्रकाश शर्मा कहते हैं कि विभाग में खाली पड़े पदों के चलते कामों में देरी होती है। साथ ही शिक्षकों के खाली पद होने से प्रदेश के ऐसे बहुत से स्कूल हैं जहां महज एक या दो शिक्षकों के भरोसे ही वो स्कूल चल रहे हैं। शिक्षा विभाग में बात करें तो 64,000 पद खाली पड़े हुए हैं। सरकार उनके लिए प्रयासरत है। अभी 31,000 की रीट की भर्ती निकाली, 7,000 व्याख्याताओं के पद पाइपलाइन में है। अभी कोरोना चल रहा है, इस वजह से बच्चे स्कूलों में आ नहीं रहे। कोरोना काल खत्म होते ही जहां बच्चे स्कूलों में आएंगे तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि व्याख्याताओं के जो 7,000 पदों के जो साक्षात्कार चल रहे हैं उनके शीघ्र भर्ती की जाए। पिछले 3 महीनों में 4,289 पदों पर नियुक्तियां हुई हैं। शिक्षा विभाग में कुल 2,98,800 पद हैं, जिसमें 62,043 पद खाली हैं। अगस्त 2020 में कुल खाली पड़े पदों की संख्या थी 66,332। पिछले 3 महीनों में वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता के पदों पर नियुक्ति के चलते 4,000 पदों पर भर्ती हुई है। हालांकि इन खाली पड़े पदों में करीब 35,000 पदों में अगले साल तक थर्ड ग्रेड शिक्षक और व्याख्याता के पद भरे जाने की संभावना है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले दिनों कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, तमाम जो 62,000 पदों पर जल्द से जल्द विज्ञप्तियां जारी करके बेरोजगार को राहत प्रदान करें। दूसरी तरफ जो ऊर्जा विभाग में 9,000 है, आरएस भर्ती, ग्राम सेवक, तमाम जो भर्तियों की घोषणा की गई थी बजट में, उन भर्तियों की भी विज्ञप्ति जारी करके प्रदेश के बेरोजगार को राहत प्रदान करें। यानी शिक्षा विभाग में हजारों पद खाली हैं, आने वाले दिनों में और पद खाली होने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये कि शिक्षकों और कर्मचारियों के खाली पड़े पदों से जो नुकसान छात्रों का हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा। ललित कुमार, जी मीडिया, जयपुर।